प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग प्रथम के समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र का परिचय के अंतर्गत हम लोग आपके पाठ्यक्रम के अनुसार तृतीय खंड में सामाजिक स्तरीकरण के अध्याय के बारे में बात कर रहे थे। सामाजिक स्तरीकरण की जहां तक बात है, हम यह कह सकते हैं कि समाज में सब लोग समान नहीं होते हैं। समाज में सब लोग अलग अलग खंडों में अलग अलग आधारों पर विभक्त होते हैं। स्तरीकरण का तात्पर्य समाज का अलग अलग स्तरों में विभक्त होना है। दो अवधारणाएं हैं, एक सामाजिक विभेदीकरण होता है और एक सामाजिक स्तरीकरण होता है। सामाजिक विभेदीकरण से तात्पर्य है कि समाज के लोग अलग 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 आधारों पर अलग अलग विभेदों में अलग अलग खंडों में विभक्त है, और सामाजिक स्तरीकरण से तात्पर्य है कि समाज के लोग अलग 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 स्तरों में विभक्त हैं। विभेदीकरण के अंतर्गत अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हमने नॉर्थ के सामाजिक विभेदीकरण के चार आधारों का जिक्र किया था, जिसमें भी बताते हैं कि सामाजिक विभेदीकरण के चार आधार होते हैं। पहला होता है प्रकार्य के आधार पर समाज अलग अलग खंडों में विभक्त है, संस्कृति के आधार पर समाज अलग अलग खंडों में विभक्त है, और रुचि के आधार पर समाज अलग अलग खंडों में विभक्त है। सामाजिक विभेदीकरण का चौथा आधार जो नॉर्थ ने बताया था वो था क्रम विन्यास। उन्होंने कहा था कि अगर सामाजिक विभेदीकरण का आधार क्रम विन्यास है तो उसको हम लोग सामाजिक स्तरीकरण कहेंगे। तो सामाजिक विभेदीकरण और सामाजिक स्तरीकरण की जहां तक बात है, सामाजिक विभेदीकरण में हमको किसी भी प्रकार का ऊंच नीच का आभास नहीं होता है। नॉर्थ कहते हैं कि प्रकार्य के आधार पर समाज अलग अलग खंडों में विभक्त है, लेकिन कोई भी कार्य ऊंचा या नीचा नहीं होता है, काम काम होता है। काम के आधार पर हम लोगों को ऊंच नीच के क्रम में व्यवस्थित नहीं कर सकते। कोई भी संस्कृति अच्छी या बुरी नहीं होती है, तो हम ये नहीं कह सकते साहब वो संस्कृति ऊंची है, ये संस्कृति नीची है, वो संस्कृति श्रेष्ठ है, ये संस्कृति हीन है। जब हम लोग संस्कृति का अध्याय देख रहे थे, तब संस्कृति की विशेषताओं में हमने आपको बताया था कि कोई भी संस्कृति श्रेष्ठ या हीन नहीं होती है। प्रत्येक संस्कृति अपने आप में यूनिक होती है, अद्भुत होती है। वो किस समाज में है वो समाज उसके महत्व को जानता है। हम ये नहीं कह सकते कि साहब अमेरिका की संस्कृति तो बेकार है और भारतीय संस्कृति अच्छी है। अमेरिकन सामाजिक संदर्भ में अमेरिका की संस्कृति अच्छी है, भारतीय सामाजिक संस्कृति संदर्भ में भारतीय संस्कृति अच्छी है। तो संस्कृति श्रेष्ठ या हीन, उच्च या नीची नहीं होती है। तो संस्कृतियों के आधार पर हम लोग ऊंच नीच नहीं कर सकते। रही बात रुचि की, तो हमने उदाहरण के माध्यम से बताया था कि महाविद्यालय स्तर के जो विद्यार्थी हैं, सब विद्यार्थियों की रुचि अध्ययन में नहीं होती है। कुछ विद्यार्थी अध्ययन में रुचि करने वाले होते हैं, कुछ विद्यार्थी खेलकूद में रुचि रखने वाले होते हैं, कुछ विद्यार्थी सांस्कृतिक गतिविधियों में रुचि रखने वाले होते हैं, कुछ विद्यार्थी राजनीति में रुचि रखने वाले विद्यार्थी होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि साहब ये विद्यार्थी की अध्ययन में रुचि है तो ये ऊपर हो गया, और जो खेलकूद में जो रुचि रखता है, जिसकी कि खेलकूद में अनेक प्रकार के अवार्ड लिए हैं, उसको हमने नीचा रख लिया। ऐसा नहीं होता। खेलकूद शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उतना ही आवश्यक है जितना अध्ययन करना या पढ़ाई करना मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। तो रुचि के आधार पर भी हम लोग ऊंच नीच नहीं कर सकते। क्रम विन्यास का जो स्तरीकरण का जो चौथा आधार उन्होंने बताया क्रम विन्यास, और क्रम विन्यास का आधार मतलब है कि प्रस्तुतियों का ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर के क्रम में जचे हुए होना। ठीक है, जैसे हम कहते हैं, जैसे हम उदाहरण दें कि साहब महाविद्यालय है, कि महाविद्यालय का सामाजिक संस्करण क्या है, महाविद्यालय का सामाजिक स्तरीकरण क्या है कि साहब सबसे ऊपर ऊपर प्राचार्य है, फिर उपाचार्य है, फिर प्रोफेसर्स है, फिर एसोसिएट प्रोफेसर है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर है, फिर ऑफिस स्टाफ है, फिर असिस्टेंट जो हमारे कर्मचारी होते हैं, सहायक कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं। ये कॉलेज की हायरार्की है, ये महाविद्यालय की संस्था का सामाजिक स्तरीकरण। इसी प्रकार से परिवार हम देखते हैं, परिवार में हम लोग देखते हैं सबसे ऊपर ऊपर दादा होते हैं, फिर पिता के बड़े भाई हमारे बड़े पापा या ताऊ होते हैं, पिता होते हैं, चाचा होते हैं, बड़े भाई होते हैं, हम होते हैं, छोटे होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं। दैट इज फैमिलियर हायरार्की, वो परिवार का एक संस्करण है। ऐसा संस्करण जिसमें कि ऐसा विभेदीकरण जिसमें कि हमको ऊंच नीच का आभास होता है, नॉर्थ ने उसको सामाजिक स्तरीकरण कहा है। तो जो क्रम विन्यास है, क्रम विन्यास का तात्पर्य है ऊंच नीच है, और ये ऊंच नीच प्रस्तुतियों की ऊंच नीच है, प्रस्तुतियों का क्रम विन्यास है। इसलिए ये जो अवधारणा है ये सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा है। और इसमें हमने ये देखा कि सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक समाज में देखने को मिलता है। ऐसा कोई भी समाज नहीं जिस समाज में सामाजिक स्तरीकरण नहीं हो। सामाजिक स्तरीकरण पुरातन है। हाँ,
सामाजिक स्त्रीकरण के स्वरूपों में भिन्नता हो सकती है। किसी समाज में सामाजिक स्त्रीकरण का स्वरूप कुछ हो सकता है, किसी समाज में सामाजिक स्त्रीकरण का स्वरूप कुछ हो सकता है। हम बात कर रहे थे सामाजिक स्त्रीकरण के स्वरूपों की, तब आपको बताने की कोशिश की थी कि प्राचीन भारतीय हिंदू समाज में सामाजिक स्त्रीकरण का जो स्वरूप था वो वर्ण व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत संपूर्ण भारतीय समाज को चार वर्णों में विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे ऊपर ब्राह्मण होते थे, फिर क्षत्रिय होते थे, फिर शूद्र होते थे, फिर वैश्य होते थे, फिर शूद्र होते थे। ये हायरार्की थी। वर्ण व्यवस्था के पतन से लेकर आज तक भारतीय समाज में सामाजिक स्त्रीकरण का आधार जाति व्यवस्था है, क्योंकि वर्णों के पतन के समय वर्णों से संबंधित अनेक जातियां और उपजातियां बन गई। तब से लेकर अब तक भारत में सामाजिक स्त्रीकरण का जो स्वरूप देखने को मिलता है वो जाति व्यवस्था के आधार पर समाज में ऊंच नीच है, एक सामाजिक संस्थान, एक सामाजिक स्त्रीकरण है। ठीक है, विश्व के अधिकांश भागों में सामाजिक स्त्रीकरण का जो स्वरूप है वो वर्ग व्यवस्था रही है, क्योंकि भारत में तो वर्ण व्यवस्था थी फिर जाति व्यवस्था हो गई, जबकि विश्व के जो अधिकांश देश है, जो समाज है, भारत को अगर हम छोड़ दें तो वहाँ पर सामाजिक स्त्रीकरण का आधार वर्ग व्यवस्था है। वर्गों के निर्धारण का आधार अलग अलग हो सकता है। कार्ल मार्क्स वर्गों के निर्धारण के अंतर्गत बताते हैं कि साहब आर्थिक आधार पर वर्गों का निर्धारण होता है, उससे भी जरूरी बताते हैं कि उत्पादन के प्रकार, उत्पादन का जो संबंध है वे वर्गों का निर्धारण करते हैं। वर्गों जो है उच्च वर्ग हो सकते हैं, मध्यम वर्ग हो सकते हैं और निम्न वर्ग हो सकते हैं। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि वर्ण व्यवस्था खुली व्यवस्था है, लेकिन वर्ण व्यवस्था में जो खुलापन था वो ऊपर वाले तीन वर्णों में ही लागू होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में। यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय हो सकता है, ब्राह्मण वैश्य हो सकता है, क्षत्रिय ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रिय वैश्य हो सकता है, वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण हो सकता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की परिस्थिति में कितनी ही गिरावट हो जाए वो वैश्य नहीं हो सकता था, शूद्र नहीं हो सकता था। शूद्र अपनी परिस्थिति में कितना ही सुधार कर ले वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य नहीं हो सकता था। ये उसमें खुलापन था। फिर हमने जाति व्यवस्था की बात करी कि भारत में सामाजिक स्त्रीकरण का स्वरूप जाति जाति के अंतर्गत आपको बताया कि कास्ट इज ए क्लोज सिस्टम। जाति एक बंद वर्ग है, जाति जन्म पर आधारित है। जाति की विशेषताओं को हम लोग बात करते हैं कि जाति जन्म पर आधारित है, जाति एक बंद वर्ग है, प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है, जाति अंतर्विवाही है, प्रत्येक जाति अलग अलग जातियों में ऊंच नीच का भेदभाव देखने को मिलता है, सामाजिक सहवास से संबंधित अनेक नियम होते हैं, जाति की जाति पंचायत होती है। तो कास्ट एक क्लोज सिस्टम है। इसका मतलब यह है जाति एक बंद वर्ग, व्यक्ति एक बार किसी जाति में जन्म ले लिया मृत्यु पर्यंत व्यक्ति उसी जाति में बना रहता है। उसके पश्चात हमने वर्ग व्यवस्था की बात की थी। मध्ययुगीन यूरोपीय समाजों में जागीरों की बात की थी। किसी समय सामाजिक स्त्रीकरण का स्वरूप जो है आदिम समाजों में दास प्रथा हुआ करती थी। ठीक है, ये सारे स्वरूपों की हम लोग बात करें। तत्पश्चात हमने सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांतों की बात की। परीक्षा की दृष्टि से सामाजिक स्त्रीकरण का अध्याय आपके लिए महत्वपूर्ण है ही, लेकिन प्रतिवर्ष सामान्यतः सामाजिक स्त्रीकरण का कोई ना कोई सिद्धांत भी आपसे पूछ लिया जाता है। दो प्रकार के सिद्धांतों का आपके पाठ्यक्रम में उल्लेख किया गया है, एक तो प्रकार्यवादी सिद्धांत और एक संघर्षवादी सिद्धांत। संघर्षवादी सिद्धांत के अंतर्गत हमने कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को देखा, प्रकार्यवादी सिद्धांत के अंतर्गत हमने किंग्सले डेविस और गिलबर्ट मूर के सिद्धांत को देखा। ये उल्लेख हम लोग गत कक्षा में कर चुके हैं। एक बात और हमने आपको बताया कि किसी भी सिद्धांत का अगर आप जिक्र करते हैं, उल्लेख करते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है, तो प्रत्येक सिद्धांत आलोचना के बिना अधूरा होता है। आपके अंक जो है आधे दिए जाएंगे अगर आपने किसी सिद्धांत की आलोचना नहीं की। ठीक है, प्रत्येक सिद्धांत आलोचना करने पर ही पूर्ण होता है, क्योंकि कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं है जिस सिद्धांत में कोई ना कोई कमी नहीं हो, प्रत्येक सिद्धांत में कोई ना कोई कमी देखने को मिलती है। इसलिए हमने वर्ग संघर्ष के अंतर्गत कार्ल मार्क्स के संघर्ष के सिद्धांत की भी आलोचना की थी, प्रकार्यवादी सिद्धांत के अंतर्गत किंग्सले डेविस और गिलबर्ट मूर के सिद्धांत की हमने आलोचना की थी, जो कि टीबी बोटमोर ने उनकी आलोचना की थी। आज हम लोग कुछ सिद्धांत और दिए गए हैं। एक है मैक्स वेबर का सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत और दूसरा है सी राइट मिल्स का सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत। छोटे छोटे सिद्धांत, इस पर आप चर्चा करेंगे। मैक्स वेबर के अनुसार संपत्ति पर अधिकार जीवन अवसरों व वर्ग का निर्धारण करता है। ठीक है, संपत्ति पर अधिकार जीवन अवसरों व वर्ग का निर्धारण करता है, यानी कि किस व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति है ये समाज में सामाजिक संस्करण में उस व्यक्ति की स्थिति को निर्धारित करता है। वेबर कहते हैं कि संपत्ति पर अधिकार जीवन अवसरों व वर्ग का निर्धारण करता है। ठीक, आगे कहते हैं वेबर का कहना है कि संपत्ति के अधिकार से वर्ग भेद उत्पन्न होते हैं।
किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक संपत्ति है, किसी के पास थोड़ी सी संपत्ति है, कोई व्यक्ति संपत्ति से बिल्कुल वंचित है। इस प्रकार से वर्गों का भेद पैदा हो जाता है संपत्ति पर अधिकार के कारण। शक्ति के अधिकारों से राजनीतिक दल बनते हैं, शक्ति के अधिकारों से राजनीतिक दल बनते हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। और सम्मान में अंतर होने से प्रस्तुति समूह या स्तर बनते हैं। वेबर ने वर्ग प्रस्तुति समूह है वह दल के आधार पर स्तरीकरण की व्यवस्था की है। वर्ग प्रस्तुति समूह है वह दल के आधार पर स्तरीकरण की व्यवस्था की है। जिस वर्ग के लोगों के पास संपत्ति होती है, जिस वर्ग के लोगों के पास संपत्ति होती है, ऐसा मैक्स वेबर का मानना है, वे एक समुचित सम्मान के साथ एक प्रस्तुति समूह के सदस्य हो जाते हैं। आई बात समझ में? कि जिस वर्ग के लोगों के पास संपत्ति होती है ना, ये हमने पहले भी बात की थी कि जिन लोगों की प्रस्तुति लगभग समान होती है, वही बात यहां पर लागू होती है कि जिन लोगों के पास लगभग समान संपत्ति होती है वे अपना एक प्रस्तुति समूह बना लेते हैं। वे एक समुचित सम्मान के साथ एक प्रस्तुति समूह के सदस्य बन जाते हैं और कालांतर में उनको शक्ति मिल जाती है। इस प्रकार दल स्तरीकरण को ठोस आधार प्रदान करते हैं। संपत्ति को मैक्सिमम प्रस्तुति का आधार मानते हैं कि किसी के पास ज्यादा संपत्ति है, पर ऐसे लोग जिनके पास ज्यादा संपत्ति है अपने प्रस्तुति समूह बना लेते हैं और उसके आधार पर उनको शक्ति मिल जाती है। और शक्ति को जब वैधानिक आधार मिल जाता है तो उनके पास सत्ता आ जाती है और शक्ति और सत्ता जो है राजनीतिक दल जो है इस स्तरीकरण को ठोस आधार प्रदान करते हैं। ये मैक्स वेबर का सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत। यानी कि संपत्ति, शक्ति, राजनीतिक दल यानी कि सत्ता के बारे में महत्व देते हैं और कहते हैं कि संपत्ति जो है प्रस्तुति निर्धारण का आधार होती है। जिन लोगों के पास ज्यादा संपत्ति है उनके पास शक्ति भी आ जाती है और वे एक राजनीतिक समूह के अंतर्गत भी अपनी राजनीति में दखलंदाजी करने लग जाते हैं और वे सामाजिक संस्था में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। दूसरा सिद्धांत है सी राइट मिल्स का सिद्धांत। और सी राइट मिल्स का मानना है, सी राइट मिल्स ने अपने स्तरीकरण संबंधी सिद्धांत में शक्ति का महत्व स्वीकार किया है। जिस प्रकार से मैक्स वेबर कहते हैं दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता शक्ति है और इस शक्ति को जब वैधानिक अधिकार मिल जाता है वो सत्ता का रूप धारण कर लेती है, उसी बात को सी राइट मिल्स स्वीकार करते हैं कि स्त्रीकरण के संबंध में सिद्धांत मिल्स ने शक्ति का महत्व स्वीकार किया है और कहा है कि अमेरिका में शक्ति का स्रोत आर्थिक स्थिति है। जिन लोगों की स्थिति सुदृढ़ है वो शक्तिशाली माने जाते हैं अमेरिका में। उन्होंने कहा कि आर्थिक अभिजात अपने संबंध मिलिट्री के अभिजातों से स्थापित कर लेते हैं। जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, कुलीन है, अभिजात है, इलिट है, वे अपने संबंध जो है मिलिट्री के अभिजातों से स्थापित कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप वे समाज में और अधिक सुदृढ़ और शक्तिशाली हो जाते हैं। मिलिट्री के अभिजातों से संबंध स्थापित कर लेते हैं जिससे वे शक्ति अभिजात वर्ग से अपना संबंध जोड़ लेते हैं वह अमेरिका के आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। आर्थिक रूप से सुदृढ़ होते हैं, कुलीन होते हैं, अभिजात होते हैं सोसाइटी में, और जो मिलिट्री के जो इलिट्स हैं उनसे अपने संबंध जोड़ लेते हैं। इस प्रकार से वो सामाजिक संस्तर में प्रभावशाली होते हैं और अमेरिका की राजनीतिक व सामाजिक स्थिति पर प्रभाव डालते हैं। ये सी राइट मिल्स का सामाजिक स्थिति का सिद्धांत। इस प्रकार से हमने कार्ल मार्क्स के और संघर्ष के सिद्धांत की बात की, किंग्सले डिक्स और विल्बर्ट मूर के प्रकारीवादी सिद्धांत की चर्चा की, मैक्स वेबर के सिद्धांत की चर्चा की और सी राइट मिल के सिद्धांत की चर्चा की। तत्पश्चात हम लोग सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्य और अप्रकार्य, फंक्शन और डिसफंक्शन की बात करें। यूं तो सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक समाज में देखने को मिला है, ऐसा कोई भी समाज नहीं जिस समाज में सामाजिक स्तरीकरण नहीं हो। एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि सामाजिक स्तरीकरण का एक सामाजिक प्रकार्य है, क्योंकि अगर सामाजिक प्रकार्य नहीं होता, सिर्फ डिसफंक्शन या अकार्य प्रकार्य होता तो सामाजिक स्तरीकरण समाजों में देखने को नहीं मिलता। सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक समाज में रहा है, सामाजिक स्तरीकरण पुरातन है। हाँ, उसके स्वरूप में भिन्नता हो सकती है, तो सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्य को हम अस्वीकार कर ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, हो सकता है कि सामाजिक स्तरीकरण के परिणाम स्वरूप समाज में हमको ऊंच नीच का आभास होता हो, भेदभाव का आभास होता हो, एक छुआछूत का आभास होता हो, लेकिन ये भेदभाव, ये ऊंच नीच समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सामाजिक संरचना बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार की जहां तक बात है, ये किसी न किसी रूप में प्रत्येक समाज में
सामाजिक स्थिरीकरण किसी न किसी रूप में प्रत्येक समाज में रहा है, जैसा कि हमने आपको कहा प्रत्येक समाज में रहा है, प्राचीन है पुरातन है, उसके स्वरूप में भिन्नता हो सकती है और उनकी आवश्यक स्थिरीकरण किसी न किसी रूप में समाज में अवश्य रहा है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। किनकी? समाज की और समाज के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति सामाजिक स्थिरीकरण के परिणाम स्वरूप भी होती है, क्योंकि सामाजिक स्थिरीकरण कार्य का विभाजन करता है, श्रम विभाजन भी कर देता है। सामाजिक स्थिरीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रकार है प्रेरणा देने की शक्ति है, क्योंकि सामाजिक स्थिरीकरण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपनी परिस्थिति में सुधार करना चाहता है और सामाजिक स्थिरीकरण व्यक्ति को अपनी परिस्थिति में सुधार करके सामाजिक संस्करण में उच्च स्थान प्रदान करने की उसको छूट होती है। अगर हम लोग जाति व्यवस्था को छोड़ दें, क्योंकि जाति में परिवर्तन संभव नहीं है, इसलिए जाति की दृष्टि से व्यक्ति अपने आप को उच्च जाति में नहीं ले जा सकता, लेकिन वो अपनी परिस्थिति में सुधार कर सकता है। ठीक है, तो सामाजिक स्थिरीकरण व्यक्ति की परिस्थिति सुधार करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो व्यक्ति को एक प्रेरणा प्रदान करता है, प्रेरणा देने की शक्ति है सामाजिक स्थिरीकरण में। इससे कठिन परिश्रम करने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि आदमी कठिन परिश्रम करेगा, प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थिति में सुधार करना चाहेगा और सामाजिक संस्करण में सामाजिक संरचना में अपना स्थान उच्च कर लेना चाहेगा, तो प्रेरणा प्रदान करता है, परिश्रम की शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि महत्वपूर्ण पदों को पाने के लिए प्रतियोगिता होती है और प्रत्येक व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण पदों को पाना चाहता है, क्योंकि महत्वपूर्ण पदों के साथ व्यक्ति का सामाजिक संस्करण में प्रस्तुति निर्धारित होती है, उन महत्वपूर्ण पदों के साथ कुछ सुविधा और शक्ति और जो है संपत्ति जुड़ी हुई होती है, तो एक परिश्रम और प्रतिस्पर्धा का वातावरण सामाजिक स्थिरीकरण समाज में पैदा करता है। स्थिरीकरण अभिजात वर्ग के संचरण को संभव बना देते हैं, स्थिरीकरण व्यक्ति को यथा स्थिति बनाए रखने के लिए निरंतर जागरूक रखता है कि वो अपनी परिस्थिति को नीचे नहीं गिरने दे, अपनी परिस्थिति में सुधार करता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अपनी परिस्थिति से नीचे नहीं गिर जाए इसके लिए सामाजिक स्थिरीकरण व्यक्ति को जागरूक रखता है, उसमें जागरूकता पैदा करता है। इस प्रकार सामाजिक स्थिरीकरण के कारण सारे समाज में स्वतः ही सामाजिक मानदंडों के अनुसार कार्य होते रहते हैं, समाज की व्यवस्था बनी रहती है। This is the function of social stratification. ये तो वह सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार है। इसके डिसफंक्शन की या इसके प्रकार की बात करें, हम पूर्व में ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सामाजिक स्थिरीकरण समाज में भेदभाव, ऊंच नीच और छुआछूत की स्थिति को पैदा करता है। अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें तो वर्ण व्यवस्था के पतन से लेकर आज तक भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का आधार जाति व्यवस्था है, और जाति एक बंद वर्ग है जो कि जन्म पर आधारित होती है, व्यक्ति एक बार किसी जाति में पैदा हो जाता है मृत्यु पर्यंत उसी जाति में बना रहता है। अगर हम लोग वर्ग व्यवस्था को बात अलग है, वर्ग व्यवस्था क्या है? वर्ग व्यवस्था खुली व्यवस्था है, वर्ग व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति अपनी परिस्थिति में सुधार करके कठोर परिश्रम करके मेहनत करके प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अपनी परिस्थिति में जंप करके वो उच्च परिस्थिति में जा सकता है, निम्न वर्ग का व्यक्ति उच्च वर्ग में जा सकता है, क्योंकि वर्ग व्यवस्था खुली व्यवस्था है। लेकिन अगर जाति व्यवस्था की बात करें तो भारत में सामाजिक स्थिरीकरण का आधार जाति व्यवस्था है, तो जाति में परिवर्तन ये संभव नहीं है, व्यक्ति कितना ही प्रयास कर ले, व्यक्ति अपनी परिस्थिति में कितना ही सुधार कर ले, वो व्यक्ति अपनी जाति से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि जाति का नियम है, जाति एक बंद वर्ग है जो कि जन्म पर आधारित है, एक बार जन्म लेने के पश्चात व्यक्ति मृत्यु पर्यंत उसी जाति में बना रहता है। ठीक है, भारत में सामाजिक स्थिरीकरण ने छुआछूत पैदा किया है, भेदभाव पैदा किया है, उच्च जाति और नीची जाति में हमको भेदभाव देखने को मिलता है। वर्तमान समाज में भी हालांकि जाति से संबंधित जो कड़े नियम हैं उनमें शिथिलता आई है, उनमें ढिलाई आई है, लेकिन फिर भी भारतीय संदर्भ में विशेष रूप से भारतीय हिंदू समाज में हमको छुआछूत और भेदभाव आज भी देखने को मिलता है। समाज के विभिन्न वर्गों में विभक्त होने के कारण निम्न वर्ग के लोग संघर्ष छेड़ देते हैं। ठीक है, वर्गों की अगर हम बात करें तो जैसा कि काल मार्क्स ने बात की थी कि एक शोषक वर्ग होता है, एक शोषित वर्ग होता है, एक सर्वहारा वर्ग होता है, एक पूंजीपति वर्ग होता है, बुर्जुआ वर्ग होता है, ठीक है, दास और स्वामी होते हैं, कुलीन होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इतिहास कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने उल्लेख किया कि प्रत्येक समाज में संघर्ष होता रहा है, और संघर्ष के कारण ये होते हैं कि दो वर्ग होते हैं, इन दो वर्गों के स्वार्थ भिन्न भिन्न होते हैं, एक वर्ग होता है जो कि शोषण करना चाहता है, एक वर्ग होता है जिसके लिए शोषण होता है। परिणाम जो शोषित वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, उच्च वर्ग के खिलाफ एक जंग छेड़ देता है, एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है जिसके कारण समाज को बड़ी विपरीत परिस्थितियों का सामना। स्थिरीकरण में निरंतर स्पर्धा होती है जिससे आत्मसम्मान बनाए रखना भी कठिन हो जाता है। जैसे कि हमने बताया कि स्ट्रेटिफिकेशन व्यक्ति को स्पर्धा के लिए बाध्य करता है, इसलिए कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने में अपने आप को कमजोर महसूस करता है, इससे व्यक्ति हमेशा असुरक्षित सा अनुभव करने लगता है। भारतीय जाति व्यवस्था में जैसा कि हमने अभी उल्लेख किया कि स्थिरीकरण के अनेक
डिसफंक्शन है, इसे ऊंची नीची जातियां परस्पर एक दूसरे को, ऊंची जातियों के द्वारा नीची जातियों को नहीं छूना, सामाजिक सहवास के अनेक प्रकार के प्रतिबंध होते हैं, एक दूसरे का भोजन ग्रहण नहीं करना, ठीक है, अंतर जातीय विवाह नहीं होना। जब व्यक्ति हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है और उनके व्यक्तित्व का विघटन आरंभ हो जाता है, ये बात विशेष रूप से भारतीय समाज पर लागू होती है, क्योंकि भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का आज भी वर्ग व्यवस्था। तो ये विभिन्न सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांतों के साथ साथ आज हमने सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार और अप्रकारीय फंक्शन और डिसफंक्शन की बात की। इसी के साथ सामाजिक स्तरीकरण का अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।